हुकूमत ने आवाम पर एक मरतबा फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया। पेट्रोल 4.53 रुपए महंगा, फी लीटर कीमत 293.94 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल 8.14 रुपए महंगा, फी लीटर कीमत 290.38 रुपए मुकर्रर। मट्टी का तेल 6.69 रुपए महंगा, फी लीटर कीमत 193.08 रुपए हो गई। लाइट डीजल ऑयल 6.54 रुपए महंगा, फी लीटर कीमत 174.34 रुपए मुकर्रर। ओग्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। एडजस्टमेंट के नाम पर महंगी बिजली के झटके, नेपरा ने बिजली कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। बिजली की तलब में मुसलसल कमी के बायस सामाही एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा का खदशा। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमुई तौर पर 12% कमी आई। हमारे पास अंधेर निकली चौपटरा जिलस्को में 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग। वफाकी वजीर दाखला मोहसिन नकवी का इंकशाफ, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गरीब आदमी को भी यूनिट्स और ओवर बिल किए गए हैं। अवाम असल बिल 20,000 के बजाय 40,000 रुपए अदा कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान में बराह रास्त कार्रवाइयों में मुलविस है। आमिर तांबा के कत्ल में भी शवाहद इसी तरह है। बलोचिस्तान में 8 पंजाबियों को कत्ल किया गया जो एजेंट लेकर जा रहे थे, इन्हें भी मार दिया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का सस्ती रोटी बेचने का हुक्म नजरअंदाज। तनूर मालकान ने नोटिफिकेशन तनूर में झोंक दिया। शहर में डंके की चोट पर नान रोटी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। तनूर मालकान का नए रेट पर रोटी और नान फरोख्त करने से साफ इनकार। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने रोटी 16 नान 20 रुपए फरोख्त करने का हुक्म दे दिया था। शहरों का रोटी और नान की कीमतों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। मालिकान सुन ले, रोटी सस्ती करना पड़ेगी। वज़ीर इत्तला'आत के नान भाइयों को इतला। उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मरियम नवाज का दौर है, इनकी डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं। हुकूमत सख्ती नहीं चाहती, अवामी रिलीफ की राह में रुकावट डाली गई तो सख्ती से पेश आएंगे। गंदम और पेट्रोल महंगा होने का बहाना बनाकर रोटी महंगी कर सकते हैं, तो आटा सस्ता होने पर सस्ती रोटी क्यों नहीं दे रहे? वो दौर गया जब कागजों में मंसूबे बनते थे पूरे, होमवर्क से रोटी की कीमत कम की गई है। रोटी और नान के निर्ख में कमी का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया, ताहम नई कीमत पर फौरी अमल दरामद ना हो सका। नान 30 रुपए और रोटी 20 रुपए में ही फरोख्त की जा रही है। सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है कि नान और रोटी की कीमत कम करने से पहले हमें एतमाद में नहीं लिया गया। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 296 तनोरों की चेकिंग, 44 को नोटिस जारी, 19 को भारी जुर्माने, 7 अफराद गिरफ्तार। डीसी लाहौर का कहना है कि शहर भर से नान रोटी की नई कीमतों पर इतला करवाया जा रहा है। रोटी और नान की कीमतों में कमी का अमली इतलाक यकीनी बनाने के लिए वजीर खुराक बिलाल यासिन मुतहरिक। बिलाल यासिन का रोटी नान की कीमतों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स पर छापा। सांदा इस्लामपुरा राजगढ़ के इलाके में महंगी रोटी और नान बेचने पर 8 अफराद गिरफ्तार। पर्चे दर्ज दुकानें सेल। बिलाल यासिन का कहना था कि हर रोज फील्ड में निकलूंगा, किसी को महंगी रोटी नहीं बेचने देंगे।